दोस्तों, मैं नील कुमार, जय हिंद नर्सरी, भिवाड़ी राजस्थान से। दोस्तों, आज मैं आपको पपीता की एक रेड लेडी वैरायटी है उसके बारे में बताऊंगा। उसका बीज जर्मिनेशन कैसे होता है और कितने दिन में तैयार होता है, कब उसको लगाएं, कितना प्रॉफिट है, ये सभी आज आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, हम बीज का ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं। इस तरह के एक पैकेट मिलेगा आपको 10 ग्राम का 3550 रुपये का। दोस्तों, इसमें करीब 550 बीज होते हैं। इसको तैयार करने के लिए हम पॉट ट्रे ले सकते हैं, जो ये सीडलिंग ट्रे हैं जिसमें सब्जी वगैरह उगाते हैं। इस तरह की एक छोटी ट्रे ले लें, उसमें हम कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकोलाइट और जैविक खाद, इन सबको मिक्स करके और फिर उन ट्रे में डाल देते हैं। उसके बाद एक एक बीज उसमें लगा देंगे। दोस्तों, कोकोपीट का ब्लॉक आप किसी नर्सरी से ले सकते हैं। इस तरह का ब्लॉक आएगा, उसको हम पानी में डाल देते हैं। एक ब्लॉक में जो वजन है ये 4 से 5 kg तक होता है, उसको करीब 25 लीटर पानी में डाल देंगे तो इस तरह का वो हो जाएगा। इसको थोड़ा सूखा कर इसमें परलाइट, वर्मिकोलाइट और जैविक खाद, इन सभी का मिश्रण तैयार करके और हमें फिर एक ट्रे में उसको तैयार कर लेना है। दोस्तों, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ट्रे में किस तरह इसको तैयार करते हैं और जर्मिनेशन रेट क्या है इसका। दोस्तों, इस तरह हमने ये ट्रे तैयार की है और इनमें हमने एक एक बीज लगा दिए हैं। दोस्तों, इसको हमने अगस्त में तैयार किया था, अब इसको करीब 20 दिन हो चुके हैं इन पौधों को। इसमें करीब 1 महीना और लगेगा, हमें इसे इसी में ही रखेंगे। उसके बाद हम इसको बड़ी थैलियों में पैक करके और हम सर्दियों में ना लगा के इसको हम फरवरी में लगाएंगे। अगर दोस्तों सर्दियों में हम लगाते हैं या लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इसको पाले से बचाने का क्रॉप कवर होना ज़रूरी है, या हम चावल की जो पुराल आती है उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। और इसको हम जब हम स्प्रे करें, जब इस साइज़ के हो जाए, उसमें 4-4 पत्ते हो जाएं, तो NPK 19-19-19 100 ग्राम पर 15 लीटर में स्प्रे करें। और बीच बीच में हम बावास्टीन की स्प्रे भी करते रहें, जिसमें जो फंगस जनित रोग है वो ना आए। दोस्तों, ये जो पौधा है रेड लेडी 786 है और इसको करीब 10 माह हो चुके हैं और इसमें जो फ्रूट है उनकी संख्या करीब करीब संख्या 25 के लगभग है और धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है, एक मोज़ेक वायरस होता है जिसमें ऊपर से पत्तियां सिकुड़ने लग जाती है, तो दोस्तों उसका उपाय करना ज़रूरी है। बीच बीच में हम उसके ट्रीटमेंट के लिए स्प्रे करते रहें जिससे रोग ना आए, और इसका जो रेट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, मिठास औरों के मुकाबले बहुत अच्छा है। इसका जो साइज़ है वो 1 से 2 kg के लगभग होता है, जो कि मार्केट में यही चलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसकी फिनिशिंग अच्छी है। दोस्तों, एक कम हाइट पे ही लग जाता है। इस पे जो नीचे से तने से जो इसकी हाइट है, जहाँ से फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है तने पे, उसको करीब 2.5 फीट से 3 फीट है, तो आप देख पा रहे होंगे अभी से जो साइज है इसका वो 0.5 kg से 1 kg तक धीरे धीरे हो रहा है, और ये करीब 1 महीने बाद इसको हम तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, जिससे एक कच्चा ही मार्केट में चला जाएगा। दोस्तों, अगर हम पकाते हैं इसको तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और पेड़ पे जो पकता है उसमें पक्षियाँ वगैरह नुकसान काफ़ी करते हैं, फिर इसको हमें कवर करना पड़ेगा पूरे को ही। एक कवर आता है फ्रूटिंग के लिए, उसको कवर करना पड़ेगा जिससे पक्षी वगैरह नुकसान ना कर पाए। तो कोशिश ये करें कि आप अगर आप पेड़ पे पका सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात, उसका रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा और मिठास बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप इसे कच्चा ही तोड़ के मार्केट में सप्लाई करें, इसका रेट 10 से 15 रुपये kg होता है, बाकी आपकी मार्केट के अनुसार है। पहले आप सर्वे करें मार्केट का, उसके बाद लगाएं, आप मिट्टी पानी ये जांच कराएं।
तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।